हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था कि मैंने आपके साथ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि अगर आपका एक्स और वाई दोनों खुद किसी टी पैरामीटर के फंक्शन हैं, दोनों खुद टी पे डिपेंड करते हैं, तो हमें उनकी डिफरेंशिएशन अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मुझे दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। क्या क्या? एक मुझे डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी, ये दोनों निकालने पड़ते हैं, और डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी करके डी वाई बाय डी एक्स आ जाता है। तो उसी पे अब 5.6 के सॉल्यूशंस आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसे क्वेश्चन नंबर वन है, यहाँ देखिए, जो एक्स है वो 280 स्क्वायर दिया है, वाई दिया है 8e की पावर 4। तो दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो पहले दोनों की विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हमने डी एक्स बाय डी टी किया, तो डी डी टी ऑफ 2a t स्क्वायर, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में हो रही है तो 2a कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ टी स्क्वायर की करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर की हुई 2t, तो ये बन गया 4a t। उसी तरह डी वाई बाय डी टी किया, तो 8e की पावर 4 की विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डिफरेंशिएशन की है, तो वो क्या हो जाएगी? देखिए, t की पावर 4 की आप सब जानते हैं कि अगर मैं t की पावर 4 की डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो हो जाएगी 4t क्यूब, तो वो 4t क्यूब यहां पे हो गई है, a कांस्टेंट अलग से बाहर आ गया, तो ये बन गया 4at क्यूब। अब dy by dx होता क्या है? dy by dx होता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो दोनों की वैल्यू डाल दी वहां पे, 4a से 4a कट जाएगा, रहेगा t स्क्वायर बाय t, तो t से उसका टी क्यूब बाय टी बच रहा है, टी से आपने इसका क्यूब काट दिया तो बच जाएगा टी का स्क्वायर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू में जो एक्स और वाई हैं ये दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे इनकी, डी एक्स बाय डी थीटा किया, तो एक्स की विद रिस्पेक्ट टू थीटा हुई, ए बाहर आ गया, अंदर बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा। उसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा हुआ, वाई की वैल्यू डाल दी, बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से मेरे पास ये दोनों सॉल्व होके आ गए और हमने इनको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, वैल्यू डाल दी गई डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों की, सॉल्व हो गया है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है ये, एक्स इक्वल्स टू साइन टी, वाई इक्वल्स टू कॉस टू टी। तो यहाँ पर आप देखिए कि साइन टी की तो डायरेक्ट कॉस टी, कॉस टू टी की अब कैसे होगी? देखो, कॉस टू टी की डिफरेंशिएशन करनी है तो सबसे पहले कॉस की होगी, कॉस की हुई माइनस साइन टू टी इंटू इस टू टी का भी करना पड़ेगा क्योंकि इसने एक्स की जगह ली है बाई चेन रूल, तो टू टी की विद रिस्पेक्ट टू टी टू हो जाएगी, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस टू साइन टू टी। ओके, तो वही ये यहाँ पे, ये देखिए ये हुई पड़ी है, दोनों की वैल्यू डाली, यहाँ पे साइन टू टी का आगे फार्मूला लगा दिया है 2 sin x cos x, ताकि कॉस से कॉस को काट पाऊँ, और फिर सॉल्व कर दिया है, बाकी डिफरेंशिएशन तो इसकी यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास बात आती है, x दिया है 4t, y दिया है 4/t, दोनों की विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, 4t में 4 बाहर आ गया, t की विद रिस्पेक्ट टू टी हो गई 1, तो 4 × 1 = 4 हो गया 4/t। 4/t के करने का और इससे इजी मेथड भी है, जैसा इसने किया है, अगर ऐसे ना करना हो तो 4/t की देखिए आप कैसे कर सकते थे, 4/t को मैं लिख सकता हूँ 4t की पावर -1, ये हो गया y, तो dy वाई बाई डी टी हो जाएगा 4 × t की पावर -1 का, टी की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव होगा माइनस वन, पावर आगे आई, पावर से कम किया, t की पावर -2, यानी ये हो गया -4/t स्क्वायर, क्योंकि t की पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में जाके टी स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, एकदम से हो गई देखो -4/t स्क्वायर। तो ये भी एक ईजी मेथड हो सकता है इसकी डिफरेंशिएशन करने का, और फिर दोनों की वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में भी यही सब है, कॉस थीटा की विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर करोगे तो वो माइनस साइन थीटा हो गई, कॉस टू थीटा की करोगे तो फिर वही फंडा,
कॉस की माइनस साइन टू थीटा इंटू टू थीटा की भी करनी पड़ेगी विच विल बी टू, तो इसलिए वो हो जाएगी माइनस टू साइन टू थीटा। वही इसने किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। उसी तरह से जब यहाँ पे साइन टू थीटा की करेंगे तो साइन की होती है कॉस, तो कॉस टू थीटा इंटू टू थीटा की टू। तो इस तरीके से यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको होमवर्क है, इसको आप कर सकते हैं। अब इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स हमने कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सारे के सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सॉल्यूशंस के डाल रहा हूँ आज। तो करना क्या देखिए, इसमें dx by dt के लिए जब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या बोलता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। अब ये हो कैसे रही है डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे साइन क्यूब टी की करनी है मुझे, यहाँ पे सब कुछ किया है बट इसको समझना ज़रूरी है कि साइन क्यूब टी की डिफरेंशिएशन कैसे हुई। सबसे पहले लगा पावर का रूल, पावर आगे आ गई थ्री, पावर से वन कम किया, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू, अभी तो पावर का ही रूल लगा, इंटू साइन की भी करनी पड़ेगी, तो साइन की होगी कॉस, सो इट विल बी थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। वही स्टेप के अंदर डिफरेंशिएशन कर दी गई है। उसी तरह से नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में ये हो गई न्यूमरेटर वाले पार्ट की, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे रूट कॉस टू टी की करनी है, तो वो कैसे होगी, उसका मतलब हुआ कॉस टू टी की पावर वन बाय टू, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले पावर का रूल लगेगा, पावर का रूल कैसे लगेगा, पावर आगे आई और पावर में से वन बाय टू माइनस वन, पावर सब्ट्रैक्ट हुई इंटू कॉस का करना पड़ेगा, कॉस की हुई माइनस साइन टू टी इंटू टू टी का भी करना पड़ेगा विच इज़ टू, क्योंकि हम ये चीज़ें पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले पावर का रूल लगा, फिर कॉस का माइनस साइन टू टी, फिर टू टी था तो टू का भी यहाँ पे लास्ट में ये करना पड़ा, और वही ये सब हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सब किया है इसने, ये पावर आगे आ गई है वन बाई टू, पावर माइनस वन बाई टू रही कम होके, इंटू कॉस टू टी का साइन टू टी इंटू टू भी साथ में करना पड़ा है, कॉस का माइनस साइन इंटू माइनस टू, ओके। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। फिर इस रूट से इस रूट को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके, तो रूट से रूट ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ये कॉस टू टी ही बचा, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जैसे एक्स बनता है तो रूट कॉस टू टी इंटू रूट कॉस टू टी, कॉस टू टी रह जाएगा सिर्फ, और ये रूट फिर हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर थ्री बाय टू हो जाएगी। ये रूट यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ले आए हैं, फिर ऊपर एलसीएम ले लिया इससे मल्टीप्लाई करके, और फिर डिनोमिनेटर में उतार लिया, और फिर इसको सॉल्व कर दिया है, ओके। यहाँ पे साइन टू टी का फार्मूला लगा के साइन टू टी को खोल दिया, टू साइन टी कॉस टी, और कॉमन ले लिया जो भी कॉमन आ रहा था, तो इस तरह से ये डी एक्स बाय डी टी कम्प्लीट हुआ। इसी तरह से डी वाई बाय डी टी में भी डिफरेंशिएशन के वही रूल्स लगे हैं, कॉस क्यूब की करोगे, कॉस क्यूब टी की करनी है तो कैसे होगी, कॉस क्यूब टी की करनी है तो भाई कैसे होगी, पहले पावर का रूल, थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी की भी करनी पड़ेगी विच इज माइनस साइन टी। तो ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं सभी के सभी पार्ट्स की, ओके। तो मैं आज एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्यूशंस आपके साथ और 5.7 के शेयर कर रहा हूँ, इनके लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाले हैं। आज आप चैप्टर नंबर अपना जो 5 है उसको कंप्लीट कर लीजिए, कल मैं आपको 6 के लेक्चर डाल दूंगा। थैंक यू।